कलाम सर विदेशी सहायता की अपेक्षा राष्ट्र में विकसित तकनीकों पर विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर एवं प्रबंधक सक्षम और सामर्थ्य हैं। भारत के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में सन 1998 ईस्वी में कलाम सर राजस्थान में कोटा के समीप राजस्थान परमाणु बिजली घर की इकाई 2 में उस समय चल रहे कूलेंट चैनल बदलने का स्वदेशी तकनीक से हो रहे कार्य का अवलोकन करने गए थे। देश में प्रथम बार स्वदेशी तकनीक से हो रहे इस कार्य की तकनीकी बारीकियों को उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा एवं बिजली घर के कर्मचारियों की सराहना की। इकाई 1 में भी असंभव से लगने वाले एनसील्ड रिसाव को बंद करने हेतु स्वदेशी डिजाइन तकनीकी विकास मार्कअप टेस्ट को देखकर वे अचंभित थे। वरिष्ठ इंजीनियरों को संबोधन में उन्होंने कई सुझाव भी दिए। कलाम सर का संदेश था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अर्जित ज्ञान का सदुपयोग देश की समस्याएं दूर करने के लिए करें एवं विदेशों के आकर्षक पैकेज के मोह में नहीं रहें। देश प्रगति करेगा एवं आत्मसंतुष्टि की खुशी के समक्ष लाखों डॉलरों की चमक फीकी पड़ जाएगी। कलाम सर का संदेश हमें सोते हुए से जगाने के लिए है कि हम पासपोर्ट वीजा में उलझने की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन को उन्नत करने हेतु ज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग करें। काश हम सब ऐसा कर सकते, काश हम सब जाग सकें। कलाम सर पहले देश के बारे में सोचते थे, फिर अपने बारे में। उनका मानना था कि देश आगे बढ़ेगा तो कोई भी व्यक्ति स्वयं आगे की ओर अग्रसर होगा। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।